हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का एक्सरसाइज है कक्षा 8 के बच्चों के लिए 2.4, जिसमें आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि कौन सी संख्या सोचती है, उसी को आपको सपोज करना है। माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या यक्ष, यानी अमीना ने कौन सी संख्या सोच ली, यक्ष। अब आप देखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा, तो संख्या कितना सोची है, यक्ष। कह रहा हुआ इसमें से 5/2 घटाती है, यानी अमीना एक संख्या सोचती है उसमें से 5/2 घटा देती है, 5/2 घटा दी, परिणाम को 8 से, यानी घटाने पर परिणाम यह मिला, इसने क्या की उसने 8 का गुणा कर दिया। अब जो परिणाम मिलता है, परिणाम आपका यह, वह सोची गई संख्या का तिगुना है या बराबर सोची गई संख्या यक्ष है, इसका यह तीन गुना है। इसी को आप कैलकुलेट करेंगे, जो आपका यक्ष का मान आएगा वही सोची गई संख्या होगी। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 यक्ष माइनस 8 × 5 = 40 / 2 बराबर 3 यक्ष। 2 से इसको काट देंगे 20 हो जाएगा, इसको इधर ला देंगे, 8 यक्ष माइनस 3 यक्ष या माइनस 20 इधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। 8 यक्ष में से 3 यक्ष घटाएंगे 5 यक्ष बराबर कितना हो गया आपका 20, 5 से काटेंगे यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 20/5 अर्थात 4। तो सोची गई संख्या कौन सी है, 4 है, आपका यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। कह रहा है दो संख्याएं हैं, उसमें से पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। माना क्या कह रहा, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो हम मान लेंगे दूसरी संख्या क्या है, यक्ष है, तो पहली संख्या आपको पता चल जाएगा, पहली संख्या दूसरी की क्या है, 5 गुनी है, यानी दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की क्या है, 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या 5 यक्ष हो जाएगा। अब क्या कर रहा, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या का मतलब पहली संख्या में भी आप 21 जोड़ेंगे दूसरी संख्या में भी 21 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाता है, पहली संख्या दूसरी की क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। लिखेंगे प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, जब 21 जोड़ेंगे तो पहली संख्या आपकी, पहली संख्या हो जाएगा 5+21, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपका हो जाएगा x प्लस
21। प्रश्नानुसार प्रश्न यानी कंडीशन कह रहा है जोड़ने पर कितना जोड़ने पर 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी। तो पहली संख्या क्या है 5x प्लस 21 बराबर 2 में क्या है दूसरी संख्या यानी x प्लस 21। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 21 बराबर 2x प्लस 21 गुना 42। इस 2x को इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल टू 42 और ये इसको इधर करेंगे तो माइनस 21 हो गया 3x इक्वल टू यहाँ 42 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा 21। तो x का मान हो जाएगा 21 बटे 3, 3 साथे 21 x का मान 7 हो गया। तो पूछ रहा है संख्याएं ज्ञात करो। अब याद रखना है पहली संख्या 5x है तो लिखेंगे पहली संख्या 5 × 7 7 5 35 हो गया। दूसरी संख्या कितना दिया है x दिया है तो दूसरी संख्या 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है दो अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। अब ये देख रहे हैं कि दो अंकों वाली संख्या तो जब भी दो अंक वाली संख्या आप क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं 11 लिख देते हैं 12 यानी 10 से लगाए कहाँ पर 99 तक दो अंकों वाली संख्या होती है। तो दो अंकों वाली संख्या में आप देखते हैं पहले लिखते हैं इकाई फिर लिखते हैं दहाई। दहाई का मतलब जो दहाई की संख्या है उसमें 10 का गुणा होता है। तो हम मानेंगे माना इकाई का अंक वायु तथा दहाई का अंक x। तो संख्या क्या हो जाएगा संख्या आपका हो गया 10 दहाई दहाई का मतलब x आधा वायु। अब देखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शब्द कह रहा है कि दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। तो मान लीजिए हमने संख्या x धर्म y का मान कितना दिया है 9 है इक्वेशन नंबर 1 बन गया। लेकिन सेकेंड शब्द क्या कह रहा है इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर तो लिखेंगे अंकों का स्थान स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या अंकों का स्थान बदल देंगे यानी इकाई के जगह पर दहाई कर देंगे दहाई के जगह पर इकाई कर देंगे तो संख्या 10 x धन y आया है जब स्थान बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 10 y आधा x। अब सेकेंड शर्त का अनुसार सेकेंड शब्द क्या कह रहा है कह रहा अंकों का स्थान बदल कर प्राप्त संख्या अंकों का स्थान बदले तो प्राप्त संख्या यह तो कितना है 10 वाई अधन एक्स प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाता है। दी गई संख्या कितना है 10 एक्स अधन वाई से क्या हो जाता है 27 अधिक हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे इस वाले पद को इधर लाने में कितना हो जाएगा 10 वाई या वाई आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा वाई आधन एक्स इधर आएगा तो माइनस 10 एक्स बराबर 27। तो 10 वाई में से 1 वाई घटा देंगे कितना आ जाएगा 9 वाई यहां घटाएंगे तो माइनस 9 एक्स बराबर कितना हो गया 27 हो गया। अब देखेंगे
9 कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस एफ बराबर 27, 9 से कैंसिल करेंगे 9 3 27, तो वाई माइनस एक्स बराबर 3, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 3, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2, एक क्या है आपका यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 9 है, यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 3 है, जोड़ देंगे इससे कट जाएगा 2x बराबर 9 में 3 दिया 6, x का मान कितना आ जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे 3। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, x बराबर 3 समीकरण 1 में रख लेते हैं, जब समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 1 आपका क्या है 3 प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर 9 और इधर जाएगा तो माइनस 3, तो वाई बराबर कितना हो गया 6। अब संख्या पूछ रहा है तो संख्या आप लिखेंगे 10x अधर वाई है तो 10 एक्स की जगह पर 3 और वाई की जगह पर 6, 10 दिया है 30 अधर 6 अर्थात कितना हो गया 36, यानी संख्या आपको मिला 36। अगर इसको चेंज करेंगे तो 63 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का तिगुना है। माना जब भी दो अंकों की बात करें तो इकाई और दहाई मानते हैं, माना इकाई का अंक एक्स है तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, तो दहाई का अंक तिगुना का मतलब 3x, यानी 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का तिगुना है, तो हमने मान लिया इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक 3x हो जाएगा क्योंकि तिगुना है, तो संख्या आपको क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा 10 गुणे दहाई, दहाई कितना है 3x आधा x, तो 10 की आई 30x आधा x अर्थात 31 x हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इसके अंकों का स्थान बदलकर, अंकों का स्थान बदलने पर लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, जब अंकों का स्थान बदल देने पर, बदलने पर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो पहले अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या यानी 10 अगले अब इकाई के जगह पर दहाई या दहाई के जगह पर इकाई कर देंगे, तो इकाई के जगह पर इकाई को आपने x माना तो अब क्या हो जाएगा, यानी यह 3x आपके इकाई के स्थान पर आ जाएगा और x आपके दहाई के स्थान पर आ जाएगा, तो हो गया x धन 3x, तो संख्या हो गया 10x और 3x 13x। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, तो प्राप्त संख्या यह यानी 13x और दी गई संख्या कितना है 31x को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 88 प्राप्त होता है, तो 31x और 13x तो 3 और 1 कितना हो गया 4 और 3 1 4 44x बराबर 88,
तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 88 बटे 44, 44 गुना 88, एक्स का मान कितना हो गया। अब क्या पूछ रहा आपको, तो दी गई संख्या क्या, तो संख्या आपको पता चल जाएगा यहां से, तो संख्या कितना हो जाएगा आपका 31 एक्स आया है, तो 31 गुणे 2 एक्स का मान दो आया है, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 6, यानी वो संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 62 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, शोभा की मां की आय, शोभा की आय की छगुनी है, यानी हम साम करेंगे, माना शोभो की आय तो मां की आय शोभे की आय की छगुनी है, यानी 6x। अब 5 वर्ष बाद शोभे की आय उसकी मां की वर्तमान आय की 1/3 हो जाएगी, 5 वर्ष बाद शोभे की आय इस समय वर्तमान आय क्या है, x है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार यह कह रहा है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आय, शोभो की आय क्या है, x प्लस 5, उसकी मां की वर्तमान आय की, तो उसकी मां की वर्तमान आय कितना है 6x का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, अब 3 से काटेंगे ये कट जाएगा 3 × 6, तो x घन 5 बराबर 2x हो गया। इसको इधर ले आएंगे चाहे इसको आप इधर ले जाइए, तो 2x माइनस x बराबर कितना हो गया 5, तो 2x में से x घटाएंगे तो x का मान कितना हो गया 5। तो क्या पूछ रहा है जी, 1/3 हो जाएगी तो उनकी आय ज्ञात करो, इनकी आय ज्ञात करना है शोभो की माँ की, तो शोभो की आय तो आपका पता चल गया x वर्ष, माँ की आय कितना हो जाएगा, माँ की आय 6x है, 6 × 5, 6×5 = 30 वर्ष हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, मकुली गांव में एक टंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, यानी मकुली एक गांव है उसमें एक आयताकार आपको क्या बनाना है, विद्यालय बनाना है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11 संबंध 4 का अनुपात है, तो माना लंबाई 11x तथा चौड़ाई 4x, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है भूखंड के लंबाई और चौड़ाई में 11 संबंधे 4 का अनुपात है, इसलिए हमने लंबाई को 11x मान लिया, चौड़ाई को 4x मान लिया। इसके बाद क्या कह रहा है, गांव को इस भूखंड में बाढ़ कराने में 100 रुपया प्रति मीटर की दर से व्यय होता है कितना, 75,000। अब इसके चारों ओर जो आप काम कर रहे हो, बाढ़ लगवा रहे हो, उसके लिए कितना खर्च हो रहा है, 75,000 प्रति मीटर की दर से। इसका मतलब इसका हम परिमाप निकालेंगे, आयत का परिमाप जितना व्यय होगा कितना हुआ है 7,5000 बटे प्रति मीटर की दर से कितना है 100, इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, इसका परिमाप 750 मीटर आ गया।
अब आयत का परिमाप आप जानते हैं, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप के जगह 75 लिखेंगे, 750 लिखेंगे और उसके बाद लंबाई और चौड़ाई को आपका दिया हुआ है। यहाँ परिमाप की जगह पर 750 हो गया, या 2 × लंबाई कितना आपने मांगा 11x, चौड़ाई कितना 4x। दो से इसको कैंसिल कर देंगे, 11 और 4 15x, या बराबर 750/2, क्योंकि इस दो का हम डिवाइड करेंगे, 11x और 4x कितना हो गया 15x। तो अब देखेंगे x बराबर 750/15 × 2, 15×5 = 75, 10 हो गया, इसको काट दिए कितना आएगा 25, यानी x का मान कितना हो गया 25 मीटर हो गया। अब ये देखेंगे पूछ रहा है लंबाई कितना होगा, तो लंबाई आपका पता चल गया 11 × 25, 25 × 25 हासिल 2, 25 × 25 और 2 27, यानी 275 मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा 4x, 4×25, 25×100 मीटर, यानी जो विद्यालय बनेगा आयताकार में उसकी लंबाई 275 मीटर होगी और चौड़ाई 100 मीटर होगी। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू।